पांचवें आर्य ने बताया है कि प्रभु परमात्मा के अगर समीप पहुंचना है। ये बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा खाना इन लोगों को टेस्टी लगा। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए सम्मेलन में, यहाँ गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्मेलन है, इसमें 2200 जोड़े समारोह है। इसमें 2222 कपल जिनकी शादी कल होने वाली है, तो आप जरूर देखें अभी कि कितना शानदार है। अभी तो हमने एंटर किया है, हमने भी नहीं देखा है, अभी हम बताएंगे आपको आगे। तो वीडियो को पूरी देखिए। सही तो दी है, ये खाई ले। ये खाई के दिया फोटो से फोटो मतलब फोटो सेशन ले सकते हैं हमारी फोटो ले। ये एक बिल्डिंग है, इसकी स्टार्टिंग और लाइटिंग देख लें आप, और ये काफी लंबी है। एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री गेट एक तो हो रहा वाराणसी में जो वाराणसी नगर, इसके फर्श पे भी कारपेट लगा हुआ है पूरे में, ऐसा ही है ये। और ये देखो इसका एंट्री गेट है ये। हाँ ये वाराणसी नगर सामने देखिए, अब इसमें जाएंगे हम अंदर। ये वाराणसी नगर अंदर बुद्ध जी की प्रतिमा, भाषण चल रहे हैं मतलब कथा, जितना मस्त है ये पूछो मत। ये देखिए ये वाराणसी नगर, और कली काल के इस पांचवें आर्य में हम तपस्या करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम सब कुछ तपो तप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस कली काल में पांचवें आर्य ने बताया है कि प्रभु परमात्मा के अगर समीप पहुंचना है। ये बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा। ये देखे मतलब कल बहुत हीट होने वाली क्योंकि गर्मी का पूरा सीजन है। आवाज भी नहीं है, ये बहुत सही है, बहुत सही है। लेली नहीं अभी लेली मैंने लेली मैं लेली लेली के पीछे पूरा अभी अंदर आ चुके हैं भूम देश में। इतना वो समय पूछो मत, गजब एक नंबर देखिए पीछे, मतलब ये खेत ये पूरा खेतों में इतना मस्त लग रहा है, कोई नहीं कह सकता है खेतों में प्रोग्राम है सम्मेलन। इनके लिए देखे कितने सारे लगे हुए, वो देखे सभी जगह गर्मी का प्रकोप है भी, इसलिए कूलिंग हमारे भैया जी अभी कूलिंग ले रहे हैं। भैया सामने ओपी स्वागत कक्ष, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। अभी जा रहे हैं अभी कूलिंग लेने के लिए, रुक गए सभी यहाँ पे, अभी जा रहे हैं आगे। इतना कूलिंग मतलब कल दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए राजस्थान कल्चर पे पूरा देखिए। नमा कोटा खाई जा बाण तो कैमरा मैन रही है। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये फायर ब्रिगेड भी है, क्योंकि यहाँ 25 तो फायर ब्रिगेड है, क्योंकि बहुत बड़ा एक 1900 बीघा में पूरा कार्यक्रम चक्रवर्ती भोजन खंड है, सब तरह का है मतलब फूड जोन भी 3-4 तरह के यहाँ पे, तीन सब तरह का मतलब फूड है यहाँ पे। अभी अंदर व्यवस्था अभी अभी यहाँ खाना चालू नहीं हुआ है,
तो अभी अंदर अंदर का मैं चल रही भाई, अभी भूख भूख तो नहीं लगी अभी। ये इधर ये देख बच्चों के लिए खेलने के लिए, ये भी फूड जोन ही है सामने, पांच तो फूड जोन आ गया अभी अभी। अरे सामने पानी का टैंक, ये कूलिंग के लिए। ये आपकी टीम में नए ब्लॉगर आए, ये हमारे न्यू मेंबर है ब्लॉगिंग के। अभी फिलहाल अब हमारा काम भी समा इन्होंने कर लिया है, अब हमारा कुछ काम नहीं है ब्लॉगिंग का, हम तो घूम रहे मस्ती कर रहे हैं। विद्युत दी और मैंने आज की किस्मत देख ले। देखो सामने सामने वो ये इधर ये देखिए महल की तरह पूरा राजस्थान कल्चर है इसमें। ये देखिए मतलब वो 1900 बीघा में ये पूरा, ये देखिए पूरा गाड़ी मैं तो खा रही ना बगर क्या ल दे रही तू तो का दे मुँह पुरु ले आप तो आज पुरु दे दो वाह 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 देख वाटर सिस्टम पूरा पानी के कैंपर का, ये पूरे आसपास के एरिया के जितने भी सिस्टम है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ बस अड्रेस में चार कैंपर ये देखो ये तंबू ना उनके हैं, जो शादी वाले कपल यहाँ पे आने वाले ना उनकी फैमिलीज के लिए बनवाए हैं। ये देखें आप तो ये इस तरीके से रेडी करवाए कि इनमें पानी भी आ गया है तो पानी भी अंदर नहीं जाएगा। वो काउंटर से जहाँ पे ना कल दुल्हा दुल्हन के जो शादी के कार्ड चीजें ना मिलने वाली है, तो ये सारे के सारे टोकन टेबल है, पूरा टोकन एरिया है जहाँ पे ना दुल्हन को जो दहेज के सामान मिलने वाले वो सारे मिलेंगे। यहाँ पे खाने का पांडाल है तो यहाँ पे खाने का एरिया है पूरा का पूरा, तो कल यहाँ पे खाना होगा, ये रसोई यहाँ लिखा हुआ है। तो नहीं पापा ये एरिया नहीं, खाना का सिस्टम तो चल रहा है खाने के लिए, ये कल खाने का अरेंजमेंट है। अभी फिलहाल टेबल वगैरह पूरे लगे नहीं है, यहाँ पे खाना प्लेट में है ना कि कोई पत्थर वगैरह में। खाने का पांडाल मिल चुका है बड़ी, तो ये खाएंगे खाना क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला है, पेट में चूहे कूदने लगे, ढूंढता ढूंढता था गया मैं तो पर पांडाल में बड़ी मुश्किल से मिल गया, चढ़ाया चढ़ गया उतरना भी चमारा भाई। पांडाल सारा इधर का नहीं खाना है, इधर इधर खाना बनाया जा रहा है उधर सामने कहीं जा रहे हैं हम भोजन का, ये देखेंगे इनके दूने लग चुके हैं, सब्जी के दूने लग चुके हैं इनके, ये सामने खाना बन रहा है सारा। ये देखो खाना सब बैठ गए, लोग बैठ गए खाना खाने, ये लोग घर से खाना नहीं खा गए क्योंकि इन्हें यहाँ का खाना खाना था, और पवन तो वैसे कोटा से आया था, तो ये सारा का सारा खाने का सिस्टम कुछ ऐसे चल रहा है। और ये काफी बड़ा है, आज के लिए तो इतना ही है, कल जा
ज़्यादा रहेगा क्योंकि कल शादी वाले जो कपल हैं और उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज, काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो कल ज़्यादा रहेगा। आज तो सब लोग घूमने और देखने के अकॉर्डिंग आए हैं। गरम गरम पूरी आ चुकी है, सब्जी कैसी भैया? हाँ, दाल, दाल की सब्जी पूरी। ये तो दी दाल की सब्जी खाई। हाँ, नमक से ये दाल की सब्जी पूरी। हमारी थाली में दाल की सब्जी पूरी आ चुकी है। अब खा रहे हम खाना, खा के बताता हूँ कैसा लगता है खाना। इतना मस्त लगा पूरे, दाल की सब्जी भी अच्छी लगी। दाल की सब्जी पूछो। मैं जा रही हूँ उनके लिए नमक ढूंढने। नमक नमक कहाँ मिलेगा? मुझे मिल गया है नमक, तो मैं जा रही हूँ लेके नमक। नमक आ चुका है। नमक भी क्या ब्लॉगिंग चल रही है अंकल जी। तो हमारे पापा और भाई वगैरह सब बैठ गए खाना खाने और इनका शुरू हो गया खाना। खाने में दाल की सब्जी और पूरी, स्पेशल कॉम्बिनेशन। टेस्टी है तो खाना इन लोगों को टेस्टी लगा और सब लोग बहुत काफ़ी अच्छे से खाना परोस रहे हैं। काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट है, देखें आप कितना। हर बन रही है पूड़ियाँ, तो उधर से पूड़ी आ रही है और इधर बन रही है सब्जियाँ, तो इधर से सब्जी आ रही है। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है जो मुझे आज यहाँ पे मिल गया है। ये यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है सबके। मौसम अचानक से बिगड़ना शुरू हो गया है, हवा बहुत तेज होने लगी है। आप देख सकते हैं हवा फील हो रही है होगी, तो हवा बढ़ने लग गई और ये लोग ऊपर यहाँ पे टेंट सेट करने में लगे हुए हैं अभी भी। तो ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा इस तरीके से सेट कर रहे हैं ये लोग। मुझे मिल गया था नमक। इन लोगों के लिए मुझे नमक नमक सिस्टम है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और वो उधर खाने के बर्तन, ये था भोजनालय। मुख्यमंत्री है वो सुंदर कह रहा है। ये चले हम कागपुर।